हमारी लाइफ में डिस्पर्जन का बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और रेनबो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिनन एक साथ काम करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं, समझते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। रेनबो हमेशा बनता है शाम के समय, जब सारे दिन बारिश हो रही थी और शाम के समय सूरज निकलने लगा। जब बिल्कुल सूरज बिल्कुल हॉराइजन पर है, बिल्कुल छिपने वाला है, उस समय बादल हट गए, सूरज दिखाई देने लगा, सारे दिन चल रही थी बारिश। तो बारिश के बाद पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद हैं, उन ड्रॉपलेट्स से डिस्पर्जन हो जाता है और डिस्पर्जन के कारण अलग अलग कलर समय दिखाई देते हैं। तो बेसिकली वैसा ही होता है जैसा प्रिज्म से हुआ। प्रिज्म से जब हम बनाते हैं तो वो जो सीक्वेंस ऑफ कलर लिखे हुए हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कलर्स हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, है ना। याद आ गई बात ये, जो प्रिज्म से आपने डिस्पर्जन दिखाया ना, वहां एक बात, एक छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम। जहां आपने डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट लिखा है बाय द प्रिज्म, लिखा है ना आपने, वहीं पर एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए स्पेक्ट्रम। जो कॉपी का आपका ऊपर का मार्जिन है वहां लिखिए आप, ये कॉपी के ऊपर मार्जिन दिया जाता है इसलिए नोट्स लिख लिए आप बाद में, ठीक है। हेडिंग आप छोटी डालिए, स्पेक्ट्रम लिखिए। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन when white light is passed through a prism is called spectrum, ठीक है। और रेनबो का बनना भी क्या है अपने आप में, ही है, ठीक है। तो कैसे बनता है स्पेक्ट्रम देखिए, ये अर्थ सरफेस, और यहां आप खड़े हैं ऑब्जर्वर अर्थ सरफेस पर, ठीक है, और एयर में चारों तरफ पानी की बूंदें। तो हम बस छोटा छोटा सा ही बात बनाएंगे, जब भी रेनबो बनता है सूरज हमेशा आपकी पीठ के पीछे होगा, सूरज इधर होगा, आप यहां खड़े हैं, आपके सामने रेनबो है, आपके पीछे होगा सूरज, चाहे वो सुबह का रेनबो हो या शाम का रेनबो, सूरज आपके पीछे होगा। सुबह का रेनबो बनता है पश्चिम दिशा में और शाम का रेनबो हमेशा पूर्व दिशा में बनता है जब सूरज पश्चिम में होगा, ठीक है। तो क्या है कि व्हाइट लाइट आई, सनलाइट आई वाटर ड्रॉप पर। अब वाटर ड्रॉप ने इस लाइट को डिवाइड कर दिया अलग अलग कलर्स में, ठीक है, रेड ऊपर, वायलेट नीचे, ठीक है, रेड ऊपर, वायलेट नीचे। अब ये जब सामने पहुंची लाइट, जब ये वाटर से एयर में जाने के लिए तैयार है, इंसिडेंट है फ्रॉम डेंसर टुवर्ड रेयर मीडियम, बन गया है क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा नहीं होती कंडीशन ये, कभी कभी कंडीशन ये बन पाती, इसीलिए रेनबो में कभी कभी दिखाई देता है। हर शाम बारिश की हर शाम रेनबो नहीं बनता, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली जो कंडीशन है वो कभी कभार ही बन पाती है,
तो क्या हुआ, इस ड्रॉप से ऊपर रेड लाइट थी, नीचे वायलेट लाइट थी, दोनों का ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों का ही क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया आपका। रेड लाइट पहुंच गई आपकी आंखों तक और वायलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा हुआ, ये आपसे ऊपर निकल गई, ये वायलेट और ये रेड। तो इस ड्रॉप से चलकर जो भी लाइट आपके, जिस कलर की लाइट आपकी आंखों में पहुंच रही वही कलर आपको दिखाई देगा। तो ये रंग, इस ड्रॉप का रंग कैसा दिखाई दिया आपको, रेड। एक और ड्रॉप हम कंसीडर करते हैं नीचे, इससे क्या हुआ, इससे भी वही फिनोमिनन हो रहा था, रेड लाइट वायलेट लाइट कलेक्ट, करेक्ट। और इस बार यहां से कौन सी, वायलेट लाइट तो आपके पास पहुंची और रेड लाइट जिसका डेविएशन कम हुआ था वो नीचे रह गई। तो अब एक ड्रॉप से तो पहुंच रही है रेड लाइट और नीचे की ड्रॉप से पहुंच रही है, और इनके बीच में जितनी ड्रॉप्स होंगी उनसे वायलेट के ऊपर ब्लू, फिर उसके ऊपर ग्रीन और येलो ऑरेंज वगैरह बनती चली जाएंगी। तो यहां आपको कैसा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, यहां आपको ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया जिसमें कि वायलेट लाइट कहां है, वायलेट सबसे नीचे है, और रेड कलर सबसे ऊपर है। कभी आप देखना रेनबो में वायलेट ब्लू कलर नीचे होता है और रेड कलर ऊपर होता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। लेकिन आप में से किसी ना किसी ने दो रेनबो एक साथ जरूर देखे होंगे, दो रेनबो भी देखे होंगे, एक नीचे रेनबो बन रहा है एक उसके ऊपर बन रहा है। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं होगा कि ऊपर वाला जो रेनबो है उसमें कलर उल्टे होते हैं, यहाँ रेड कलर ऊपर है और वायलेट कलर नीचे है, तो इसके ऊपर वाले में सबसे नीचे रेड कलर और सबसे ऊपर वायलेट कलर, वो कहलाता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के बनने में केवल एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, सेकेंडरी रेनबो के बनने में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होता है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आया लाइट का एक बार TIR हुआ, उल्टी बना दी, ये नहीं, ये लाइट आई, डिस्पर्जन हो गया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया, ये TIR हो गया। पता ये लगा कि अगली बार फिर से ड्रॉप के अंदर फिर से एक और TIR कंडीशन बन गई, तो फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया एरा, और अब ये लाइट कहां पहुंची, आप तक पहुंची। इसमें से कोई लाइट तो आप तक पहुंचती है और कुछ लाइट आपसे अलग निकल गई। इस बार कौन सी लाइट पहुंची, इस बार वायलेट कलर की लाइट सबसे ऊपर से पहुंची और जो नीचे वाले ड्रॉप थी, इस नीचे वाले ड्रॉप से फिर दो बार TIR हुआ और दोनों बार TIR होकर यहां से कौन सी वाली लाइट आप तक पहुंच रही है, यहां से आपके पास रेड कलर की लाइट पहुंच रही है और वायलेट कलर की लाइट आपके अलग निकल जाएगी। तो इसमें आपको सबसे नीचे कौन सा दिखाई देगा, रेड, और सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा, वायलेट, के बाद इंडिगो, फिर ये ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो इस तरह दोनों की सीक्वेंस अपोजिट होती है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि यहां दो बार TIR होना है। एक बार TIR होने की कंडीशन मुश्किल से बन पाती है कभी कभार किसी किसी दिन, तो दो बार TIR होने की कंडीशन का बनना तो और भी मुश्किल है, इसलिए दो रेनबो का एक साथ दिखाई देना बहुत ही रेयर है। दसियों बार रेनबो बनेगा तब कहीं जाकर के ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो पाएंगी और आप डबल रेनबो देख पाएंगे, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, बस इतना ही काफी है, डायग्राम ही बनाने के लिए एग्जाम में आया हुआ है। हेडिंग लिख लेते हैं इसकी, इसकी हेडिंग आप लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। पहले छोटा सा थोड़ी बात लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
लिखें इसे इसी में, इससे आगे रेनबो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रेनबो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, रेनबो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फॉर्म्ड इन एयर, रेनबो इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फॉर्म्ड इन एयर ड्यू टू डिस्पर्जन, ड्यू टू डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ सनलाइट, ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बाय वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, बाय वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड लटकी हुई, सस्पेंडेड इन एयर जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर द रेन, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर द रेन, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर द रेन। ठीक है, अगली लाइन से लिखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, नंबर वन देयर मस्ट बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, देयर मस्ट बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, देयर मस्ट बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर एंड द सन, एंड द सन मस्ट बी एट होराइजन, बिल्कुल क्षितिज पर होना चाहिए सूरज, निकलते हुए या डूबते हुए। ठीक है, एक और बात लिखिए इसमें, रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन, सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में आ चुका है डायग्राम बनाने के।